संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भारत ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में भारत ने पाकिस्तान को घेरा है। यूएनजीए में भारत का पक्ष रखते हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास ओथू ने कहा कि पाकिस्तान ने यहाँ अपने अल्पसंख्यकों को खत्म कर दिया है और अभी भी वहाँ हिंदू, सिख और ईसाइयों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को घेरा है। अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर भारत ने अपनी बात रखी है कि पाकिस्तान में किस तरीके से अल्पसंख्यक लगातार कम हो रहे हैं, उनके अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है जो कि यूएन से निकलकर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। यूएन में ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास ओथू ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो पाकिस्तान को करारा जवाब जम्मू कश्मीर के मसले पर, मुद्दे पर दिया गया है। सख्त लहजे में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ये बता दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा बना रहेगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक ये कह दिया है। राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिछले 42 दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। 10 अगस्त को जिम में कसरत करने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। यूपी विधानसभा में भी राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी गई और उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं असम के कचार में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक आदमी की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद इसकी खबर पुलिस को मिली तो उसने पिटते हुए आदमी को लोगों के बीच से बचाया, जहां लोग बच्चा चोरी के शक में एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे। मौके पर भीड़ इकट्ठा थी, कोई लात घूंसे से तो कोई डंडों से इस आदमी को मार रहा था। पिटाई के बाद लोगों ने कार में भी बुरी तरह तोड़फोड़ की, पूरी कार को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, गाड़ी में आग भी लगा दी गई, जिससे पूरी कार जल गई। कसार जिलार प्रतिजन राइजों के आमी अनुरोध करी आसु जे एनेकुआ धरणर उरा बातरी कोनो भूल जाबो ना लागे आरो सकलुए एनेकुआ जिबिलाक मानु कोनबाय हन्देशजनक भाबे कोवात मानु देखिसे किबा करिसे तेन लोकर किबा जदि हमभेद पाए इमिडिएट प्रशासनक आरो पुलिस प्रशासनक जलांबो लागे। उधर पिटाई की वजह से आदमी बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लोगों को न्यूक्लियर ब्लैकमेल बता रहा है, जिसका सहारा लेकर वो यूक्रेन के लोगों में एक डर पैदा करना चाहता है। और डर ये कि जंग जीतने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो परमाणु पावर प्लांट पर हमला ही क्यों ना हो। जैसा कि उनकी सेना पिछले करीब 6.5 महीने से ज़ापोरिज़्या परमाणु पावर प्लांट के आसपास कर भी रही है। певний ряд ядерного тероризму, який вони здійснили на Запоріжжі. Запоріжжя परमाणु पावर प्लांट के पास छिड़ी जंग पर तो यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी चिंता जता चुकी है। IAEA की टीम ने वहां का दौरा भी किया था। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी पुतिन से प्लांट के करीब से भारी हथियार हटाने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील मानना तो दूर, पुतिन ने यूक्रेन के एक और परमाणु प्लांट को निशाने पर ले लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्रिटेन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आग लगाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस बार वहां के स्मेदिक शहर में पाकिस्तान से जुड़े मुस्लिम संगठनों ने एक मंदिर पर हमला कर दिया। बीते शनिवार और रविवार को ब्रिटेन के लेस्टर शहर में भी हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए थे और वहां भी एक मंदिर को ही निशाना बनाया गया था। लेकिन लेस्टर शांत हुआ तो एक दिन बाद वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्मेदिक शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच बवाल शुरू हो गया। सामने आई तस्वीरों में मुस्लिम प्रदर्शनकारी झुंड में दुर्गा भवन नाम के मंदिर की तरफ कूच करते नजर आए। मास्क से मुंह ढके प्रदर्शनकारी भेड़ियों की तरह मंदिर पर टूट पड़ने की फिराक में थे। कुछ तो पुलिस के सामने ही मंदिर परिसर की ग्रिल पर चढ़ते दिखे और गले फाड़ फाड़ कर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। बताया गया कि जिस मंदिर पर हमला हुआ वहां साध्वी रितंबरा जाने वाली थी, इसी के खिलाफ वहां मुस्लिम संगठनों ने धमकी दी थी।